अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज़ प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स हमें पता है कि जो एक सिंगल जीन ट्रांसफ़र है, वो सिंगल जीन ट्रांसफ़र क्या कर सकता है, बहुत से प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स, एंटीबॉडीज, क्लॉटिंग फैक्टर। सो अगर आप एक जीन ट्रांसफ़र करते हो तो उससे आपको बहुत से प्रोडक्ट्स अचीव हो रहे हैं, उससे आपको हार्मोन्स भी मिल रहे हैं, एंटीबॉडीज़ भी मिल रहे हैं, डिफरेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स भी मिल रहे हैं। तो अगर हम बात करें एंटीबॉडी की, एंटीबॉडी फ्रॉम कॉर्न, ठीक है, एक कॉर्न की एंटीबॉडी किसके लिए यूज़ हो रही है, बेसिकली इट इज़ यूज़ फॉर रेडियो आइसोटॉप्स फॉर ट्यूमर सेल, यानी ट्यूमर सेल के लिए जो रेडियो आइसोटॉप्स चाहिए वो आपको कहाँ से मिल रहे हैं, वो आपको उस एंटीबॉडी से मिल रहे हैं जो आपने कॉर्न से ली है। इसी तरह अगर हम बात करें सोयाबीन की, तो जो सोयाबीन से एंटीबॉडीज आ रही हैं वो किसके लिए यूज़ हो रही हैं, बेसिकली दे आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पिस। वो किसके लिए यूज़ हो रही हैं, ट्रीटमेंट ऑफ जेनिटल हर्पिस। सो जेनिटल हर्पिस एक डिज़ीज़ है, ठीक है, उस डिज़ीज़ के लिए वो एंटीबॉडीज़ यूज़ हो रही हैं जो आपने सोयाबीन से क्या की हैं, आइसोलेट की हैं। इसी तरह ट्यूमर सेल्स के अंदर वो एंटीबॉडीज़ यूज़ हो रही हैं जो आपने किससे ली हैं, कॉर्न से ली हैं। रिसेंट अगर हम बात करें, रिसेंट रिसर्च की बात करें, तो कैलिफोर्निया के अंदर एक ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने क्या किया है, दे हैव डिवेलप्ड टेक्निक टू इंसर्ट ह्यूमन जीन इनटू टोबैको प्लांट, ठीक है। उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस को एज अ वेक्टर यूज़ किया और उस वेक्टर के अंदर किस कौन सा जीन इंसर्ट किया, ह्यूमन का जीन इंसर्ट करके उसको टोबैको प्लांट के अंदर क्या कर दिया, ग्रो करवाया, मल्टीप्लाई करवाया। सो नाउ यू आर बेसिकली आइसोलेटिंग 10 ग्राम ऑफ ग्लेक्टोसिडेज फ्रॉम एन एकर ऑफ टोबैको प्लांट। सो 1 acre of tobacco plant आपको कितना दे रहा है, producing 10 grams of glycosidase। और glycosidase वो enzyme है जो basically human lysosome storage disease होती है उसके treatment के लिए, उसकी recovery के लिए यूज़ होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट स्टूडेंट्स। होप सो आप लोगों को समझ लग गई होगी। इन केस किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा बच्चों, अल्लाह हाफिज़।